हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु फायरमैन पोस्ट पर एक बहुत बड़ नियुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने केवल दशम टीए पास करथिबे तबे ई पोस्ट अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स सबुठारु बड़ कथा या जे आपण माने निज मोबाइल रे भी एथिरे अप्लाई करि परिबे। किपरि आपण माने निज मोबाइल फोन माध्यम रे अप्लाई करिबे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ए वीडियो शेष रे मु आपनको कहिबी। जदि आपण माने अप्लाई करबा पई इच्छा रखुछंती तबे ई वीडियो टिकु शेष बजन देखंतु। चलंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कौन रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एभली नुआ नुआ सरकारी जॉबर न्यूज पायापाई चाहूंती तेबे आम चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो टी भी गोटे लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे केओ माने अप्लाई करि परिबे एथिरे ऑल ओडिसा रो पिल्ला माने अप्लाई करि परिबे। एथिरे ऑल इंडिया पई पोस्ट होची आम ओडिसा पई पोस्ट होइबो ओडिसा रो पिल्ला माने भी पोस्ट अप्लाई करि परिबे। बोथ मेल एंड फीमेल बा उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने मध्ये यही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जॉब टाइप टी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहिबो सरकारी चाकरी रहिबो। देखंतु एथि पई कोन सब सैलरी रहिबो एथिरे आपन को 19900 आरंभ करि 63200 पर्यंत मंथली सैलरी मिलि परिबो। देखंतु यार जो बेसिक पे रहिछि बा आपन को लेवल 3-2 अनुसार पे करा जाउछि। देखंतु आपन माने एथिरे स्टार्टिंग रे 3500 टका दरमा पाई परिबे। किपरि पाइबे आपन को बेसिक रहिछि 19900 प्लस आपन के एथिरे 42% डीए या छत आपन को अदर अलाउंस मिलिबो। तो एई बढ़िया भाबरे मोट आपन गिथिरे स्टार्टिंग रे 3500 टका दरमा मिलि परिबो एई फायरमैन पोस्ट रे। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम। तो देखंतु एथिरे फायरमैन सहित अन्यान्य किछि पोस्ट भी रहिछि जेपर कि असिस्टेंट होइ जाउ फार्मासिस्ट होइ जाउ एई बढ़िया भाबरे डिफरेंट टाइप रे पोस्ट होइछि। किंतु एई वीडियो रे मु आपन को केवल फायरमैन विषय रे कहिबी। जदि आपन को अदर क्वालिफिकेशन थिबो तेबे चाहिले सेई पोस्ट बे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एथिपाई केवल मैट्रिक पास रही केवल मैट्रिक पास पिला माने ही पोस्ट अप्लाई करेंगे। आपणकर जिते भी परसेंटेज थी मैट्रिक रे किसी भी असुविधा ना जस्ट पास होते भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखूँ एथिपाई कौन सब एज लिमिट रदि आपणकर मिनिमम एज टी 18 वर्ष हो मैक्सीम 30 वर्ष बयस हो तेब पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि आपण कैटेगोरी ईडब्ल्यूएस कि जेनराल हो तेज एथिपाई रही 18-25 वर्ष एससी एसटी मानक रही 18-30 वर्ष एवं ओबीसी मानक एथिरे 18-27 वर्ष बयस रहिबो। टाइपिंग मिस्टेक अछि कारण ओबीसी मानक अतिरिक्त 3 वर्ष रे सुविधा मिलि परिबो। सॉरी फ्रेंड्स एथि 28 होबो ओबीसी मानक पई 18-28 एससी एसटी मानक पई 18-30 ईडब्ल्यूएस एवं जनरल कैटेगरी पिला मानक पई 18-25 रो बयस सीमा रहिछि। एहा पर छि सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखंतु आपनकर कोन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। प्रथमत आपनकर सीबीटी एग्जाम रहिबो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एहा पर आपनकर फिजिकल टेस्ट रहिबो जेपर कि हाइट वेट चेस्ट आपणकर फिजिकल मेजरमेंट रहिबो। यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी रहिबो। यहाँ पर आपणकर मेडिकल टेस्ट रहिछि एवं शेषरे आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंट्री रहिबो। तो फ्रेंड्स एही किजे प्रोसेस द्वारा एथिरे आपण माने सिलेक्शन पाई परिबे। कौन सब हाइट वेट रनिंग ए सब रहिबो से विषय में आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ रे मिलजिव। वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक भी अच्छी मुझे बड़े आप्लायर प्रोसेस कहबी से समय आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ विषय भी कहीदेवि। जदि आप इंटरेस्ट रखुंत तो वीडियो को शेष पर्यटन देखी नियंतु। यहाँ पर देखो आप्लिकेसन फी कौन जनरल एवं ओबीसी मानक एससी एसटी समस्त पिला 500 टाँचा फी दे पड़ो। देखु यही 500 टाँचा फी आपको रिफंड हो संपूर्ण रूपे रिफंड होपण को टाटे भी फी देवार आवश्यक ना। देखु किपर रिफंड हेब ए जनरल और ओबीसी मानक 400 टाँचा रिफंड रोक। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन अच्छी आपने चाहिए चेक भी करेंगे। जदि आपने एग्जाम अटेंड करूँ सिलेक्शन हूँ बा न हूँ किसी भी असुविधा ना। जदि आपने एग्जाम को अटेंड करूँ तो आपणकर 400 टाँचा ये रिटर्न होदी आपण कैटेगोरी एससी एसटी कि वुमेन होते जदि आपने तो एथिरे आपण माने 500 टका फी पे करिवे। जदि आपण माने अटेंड करछंती एग्जाम तो आपण के एथिरे 500 टका रिटर्न होइ जिवो। तो मोटामोटी भाबे कहिबा गोले आपण के एथिरे कोनो सिबी फी देबा को पडु नाही। जदि आपण माने एग्जाम न दियंती तो आपणकर 500 टका जिवो। जदि आपण एग्जाम देखो जाउछंती तो आपणकर पैसा संपूर्ण रूपे रिटर्न होइ जाउछि। केवल जनरल एवं ओबीसी मानको ही अतिरिक्त 100 टका देबा को पडिवो कारण 500 टका फी देबे आपणको 40 टका रिफंड हबो। तो आपणकर 100 टका फी कटिवो केवल जनरल ओबीसी पुओ पिला माननको बा ईडब्ल्यूएस पुओ पिला माननको। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कोन सब डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पड़िबो। प्रथमत रहिछि आपणकर ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट रो सहित मार्कशीट। जदि आपणकर मैट्रिक थिबो तो मैट्रिक रो केवल मार्कशीट आपणको मिलिथिबो तो से मार्कशीट को आपण माने अपलोड करिवे पीडीएफ फॉर्मेट रे।
प्लस टू आवश्यक ना स्कान होता गोटे फोटो का सर्टिफिकेट जदि आप एससी एस टी कि ईडब्ल्यूएस हो तेज सी का सर्टिफिकेट पीडीएफ टी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट होती आपण आईडी प्रूफ आधार कार्ड देवे जदि आप आधार कार्ड थी तो अपलोड करेंगे। भोटर कार्ड पान कार्ड भी ऑप्शन अच्छी तो आपंकर जहाँ भी आईडी प्रूफ थी से आईडी प्रूफ को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट होती आप एप्लीकेशन मोड तो देखो एथिपाई कौन सब एप्लीकेशन मोड रही ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रज मोबाइल अप्लाई करेंगे चाहिए जेकोसी भी निकटस्थ जनसेवा केन्द्र कि नेटजोन को जाए अप्लाई करेंगे। देखो जो स्टार्टिंग डेट रही अगस्ट 4 पाखापाखि स्टार्ट हो जा तो फ्रेंड्स चलत आलोचना करवा जे आपने किपर एप्लाय करेंगे आप्लायर फुल प्रोसेस टी मुझे कह फ्रेंड्स एथिरे आपने किपर आप्लाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी मुझे कह एपने भिडियोटी शेष पर्यटन देखि नि प्रथम आपने मोबाइल या गूगल को ओपन करूँ। ओपन कला सर्च बॉक्स पर क्लिक करूँ। यहाँ पर सर्च करूँ कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस लिखे जिओ भिटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन देखिपे मोटर कौन टाइप कले सिंपली आपने यही हिं टाइप करेंगे। टाइप कलापर पाखर थी सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक कलापर आपन को ओडिशा जिओ भिटी जॉब रईट देखा मिल देख पार्थ आप सो भी होशा जिओ भिटी जॉब रईट तो सिंपली आपने सैट्र लिंक क्लिक करूँ। देखो क्लिक कलापर आपन को यह किसी सो हे तो सिंपली आपने तलकू तलकू स्क्रोल डाउन करूँ तो देखो क्लिक कलापर आपन को ये मोर जॉब्स सेक्शन में फायरमैन नोटिफिकेशन टी देखा मिल तो सिंपली आपने नोटिफिकेशन लिंक क्लिक करूँ। क्लिक कलापर आपन को पोस्ट समस्त इनफर्मेसन देखा मिल तो प्रथम देखते नोटिफिकेशन टी क्यों आसी ना इंडियन आपंकर इसरो तरफ नोटिफिकेशन टी आसी जैकि इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन रो जॉब टाइप तो मुझे कही स्टेट गवर्नमेंट सॉरी फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रही फायरमैन सहित अन्न्य किसी पोस्ट भी रही तो देखो आपंकर जो सिलेक्शन प्रोसेस रही कौन कौन प्रोसेस रही से विषय लिखाई आपंकर हाइट केत रही रेट केत रेस्ट केत रिषय भी लिखाई भल भाव पढ़ी ने। नेक्स्ट होती आप्लायर प्रोसेस तो देखो ये इंपोर्टेंट लिंक अच्छी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी आप्लाय लिंक अच्छी प्रथम आपने नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक कर चेक करेंगे कौन सब यार हाइट वेट चेस्ट रनिंग ये सब रल भाव चेक करेंगे जदि आप सठिक क्वाफ आपर जब मैचिंग होपरिक हाइट वेट सब थी आपंकर कंडीशन को आपड़ी पूरण करुवे तो आप्लाय लिंक क्लिक करूँ। आप्लायर प्रोसेस कह तो सिंपली देखो आप्लाय लिंक क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर देखो आप मोबाइल ये किसी सो हे देखो आपबाइल किसी सो हे यापर आपने कौन करेंगे ना निज क्रोम डेस्कटॉप मोड को ओपन करेंगे। देखते यही साइट को क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर एटर एक ऑप्शन आसूँ डेस्कटॉप साइट देखते क्लिक कलापर यह कंप्यूटर भाई हो देखो। क्लिक कलापर देखते एटर एक ऑप्शन अच्छी कैरियर एक ऑप्शन अच्छी आपन को सो होदी आप किसी बुझुनि तो भिडियो को स्लो मोशन में देखु देखते क्लिक कलापर किसी यही सो हे जहाँकि नोटिफिकेशन गुड़िक देखा मिल देखो आप प्रथम ही एक न्यू नोटिफिकेशन टी देखा मिल जहाँकि डिफरेंट टाइप पोस्ट होपरिकी फार्मासीस्ट हो जाओ आसीस्टांट कुक टेक्नीसीयन शेष देखो फायरमैन पोस्ट में वैकेंसी रही फायरमैन ऑप्शन आपरे देखा मिल तो सिंपली आपने जो क्लिक हियर देखते एक ऑप्शन अच्छी अप्लाई क्लिक हियर तो सिंपली आपने क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करूँ। पिलामने आपमने से क्लिक कलापर आपन को एभली किछु सो हेबो आपमने सिंपली तलक तलक स्क्रोल डाउन करंतु देखंतु एथिरे इंपोर्टेंट डेट मेंशन अछि 4/8/2023 रु स्टार्टिंग होय जाइछि 24/8/2023 होछि अप्लाई करबार लास्ट डेट। देखंतु एथिरे प्रथम अछि ऑप्शन क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन तो प्रथम आपन के एथिरे रजिस्ट्रेशन करबाक पड़िबो तो क्लिक करंतु। देखंतु क्लिक कला परे आपन को एभली किछु सो हेबो प्रथम आपन को ईमेल आईडी यहाँ पर ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे कैप्चर करदे यहाँ देखो रजिस्टर ऑप्शन अच्छे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर आपको एक रजिस्टर नंबर आसीबो यहाँ देखो आपको सेकंड स्टेप एक अनेक स्टेप देखा मिले जपरिकी अप्लायर ऑप्शन तो आपने सिंपली अप्लायर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्टर है पे देखु आपन को एठे भिन्न भिन्न पोस्टर नोटिफिकेशन बा ऑप्शन गुड़ को देखा मिल
आपण मैंने पीडीएफ टी भल भाव में पढ़े पीडीएफ रे पोस्ट पाखे एक कॉड लिखा देखिए देखिपुर मेनसन अच्छी डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट कॉड रही जदि आप फायरमैन अप्लाई करेंगे तेज एथ देखु 40 कॉड रही फायरमैन ग्रेड ए पोस्ट रही तो सिंपली आपने जो एटे एक लॉगिन ऑप्शन अच्छी लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैकेंसी रो डिटेल्स भी इतने मेंशन अच्छी तो सिंपली लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करूँ देखो क्लिक कलापर आपर ईमेल आई डी और पासवर्ड को एंटर करेंगे आपतने रजिस्टर करते से आप एक ईमेल आई डी एंटर करते ना से ईमेल आई डी को एंटर करेंगे और आपंकर मोबाइल को रजिस्टर समय जो एक पासवर्ड आसी से पासवर्ड को एंटर करेंगे कैप्चर कोड देते यापर देखो लॉगिन ऑप्शन अच्छी लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यापर आपर डॉक्यूमेंट जहाँ भी थी पर्सनल इनफॉरमेशन सब फिलअप करेंगे तो पिलाने सब प्रोसेस द्वारा आपने पोस्ट अप्लाई करेंगे जदि आपको किसी भी बुझुनी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आपंकर जहाँ भी डाउट थी मत जनपरेंगे।